नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज के वीडियो में हम देखेंगे हमें शंख क्यों बजाना चाहिए और हमारी सेहत पर इसका क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि शंख बजाने से एक हमारे आसपास में घर में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तैयार हो जाती है और इसके बजाने से, इसकी फ्रिक्वेंसी से, आवाज की फ्रिक्वेंसी से आजू बाजू के जीव जंतु, जीवाणु, वायरसेस ये मर जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके मेडिकल साइंस के एंगल से हम अगर इसे देखेंगे तो इसका हमारे सेहत पर सचमुच असर होता है शंख बजाने से। तो सबसे पहले हमें शंख बजाने के लिए हमारे फेफड़ों में हवा भरनी पड़ती है और उसके बाद में इसके छोटे से होल में हमें फूंकनी पड़ती है। शंख बजाने का तरीका हमने पहले वीडियो में आपको बताया है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हमें शंख बजाते हैं तो हमारे फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। इसे बजाने के लिए हमें हवा भरनी है फेफड़ों में, उसके बाद उसे जोर से ऊपर की तरफ इसमें फूंकनी है। तो हमें इस पर, इसमें हवा फूंकने के लिए हमारे फेसियल मसल्स का भी एक्सरसाइज होता है, होठों का एक्सरसाइज होता है, पेट एब्डोमिन के मसल्स का भी एक्सरसाइज होता है और हमें, हम जो डायफ्राम बोलते हैं, हमारे फेफड़ों में और एब्डोमिन के बीच में एक लेयर रहता है, डायफ्राम बोलते हैं उसको, पर्दा जो सेपरेट करता है, तो वो डायफ्राम को हम ऊपर खींच के उसको, वो डायफ्राम हमारे फेफड़ों में प्रेशर देके फेफड़ों की हवा बाहर आ जाती है। तो ऐसा रोज करने से, बार बार करने से हमारे फेफड़ों की ताकत बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें जैसे ही कुछ एलर्जी की सर्दी हो जाती है, फेफड़ों में खांसी हो जाती है, तो ये फेफड़ों की ताकत बढ़ने से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं या फिर थोड़ा इन्फेक्शन होने के बाद हम जल्दी क्योर हो सकते हैं। इसके बावजूद हमारे थायराइड मसल्स, इसका भी ये बजाने से एक्सरसाइज होता है, तो थायराइड मसल्स का भी एक्सरसाइज होने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी। इसे अगर आप घर में बजा के देखेंगे सुबह सुबह तो आपको भी एक प्रसन्न लगेगा और एनर्जेटिक महसूस होगा, तो हमारा दिन भी अच्छे तरह से एनर्जी से भरा हुआ जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पास में अगर शंख है तो उसे आप बजाना शुरू कीजिए। जैसे हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना है, बहुत सारे देव देवताओं के हाथों में इसे हम देखते हैं, तो इसे शास्त्रों के आधार से और मेडिकल साइंस के उसको लिंक करके ये हमारी सेहत पर फायदे हो जाते हैं। अगर आप इसे बजाना सीखोगे तो इसका अनुभव आप खुद करेंगे। जैसे ही आप इसे बजाना सीखोगे और आपको क्या एक्सपीरियंस होता है तो हमें उस कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके उसका रिप्लाई हम आपको देते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।